महाकाल की नगरी उज्जैन से खाटू श्याम जी तक दंडवत यात्रा पर निकले ऋषभ ठाकुर। भीषण गर्मी में लोग जहां पर बंद कमरों में एसी की हवा से बाहर निकलने से कतराते हैं, वहीं चिलचिलाती धूप में उज्जैन के महज 20 वर्षीय ऋषि ठाकुर मन में एक दृढ़ संकल्प लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन से दंडवत यात्रा करते हुए आज भीलवाड़ा पहुंचे, जहां स्थानीय भक्तों ने उनका स्वागत किया। 16 मार्च को उज्जैन से निकले ऋषभ रोज 5 से 10 किलोमीटर की दंडवत यात्रा करते करते आज लगभग 80 दिन के बाद यहां भीलवाड़ा पहुंचे हैं। रास्ते में कई जगह बदलते मौसम से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी यात्रा बाधित भी हुई। ऋषभ मन में गोमाता को राष्ट्रमाता, हिंदू राष्ट्र को और अखंड भारत का दृढ़ संकल्प लेकर अपने साथ बाबा श्याम को पलना गाड़ी में लेकर खाटू श्याम की ओर निकल पड़े। वास्तव में ऐसी प्रचंड गर्मी और बार बार बदलते मौसम इस तरह की दंडवत यात्रा किसी चुनौती से कम नहीं। आइए, हमारे संवाददाता लोकेश तिवारी ने भी इस दौरान उनसे विशेष बातचीत की। महज 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में ठाकुर जी निकले हैं खाटू श्याम की यात्रा के लिए। दंडवत यात्रा कर रहे हैं आप और उज्जैन से निकले हुए काफी समय हो गया है। आइए हम बात करते हैं किन उद्देश्यों से, किन अपने विचारों से लेकर के ये यात्रा कर रहे हैं। आपको शुभ नाम आपका? ऋषभ ठाकुर हमारा नाम है। अपने ये यात्रा किन उद्देश्यों से लेकर स्टार्ट करी, कब से स्टार्ट की है? हमने 16 मार्च से ये यात्रा प्रारंभ की थी। गौ माता राष्ट्र माता बने, भारत अखंड हो, सनातन धर्म रहे, हिंदू राष्ट्र बने, ये उद्देश्य लेकर के हम महाकाल राजा से कलयुग के राजा बाबा श्याम के पास जा रहे हैं। और क्या उद्देश्य है आपका? बस उद्देश्य यही है, हमारी गौ माता जो रोड पे भटकती है, रोड पे नहीं भटके, इसकी लोग इज्जत करें। अपनी माँ की जिस तरह इज्जत करते हैं, इस तरह से हमारी गौ माता की भी इज्जत करें और उसको भी खाने पीने को दें, रहने के लिए उसके गौशाला बने, यही हमारी मांग है। किससे प्रेरणा मिली है आपको? ये प्रेरणा हमारे ठाकुर जी देने वाले हैं। और कब तक आपकी यात्रा पूरी होने के चांस है? यात्रा पूरी होने के चांस पहले 43 दिन थे, धीरे धीरे बढ़े 60 हुए, अब 80 तो हो गए हैं, लेकिन अभी 50 दिन और लग सकते हैं। और अभी कितने दिन हो गए? 80 दिन हो गए हमको। तो ये थे हमारे साथ उज्जैन महाकाल की नगरी से खाटू श्याम तक दंडवत यात्रा करने के लिए निकले हैं। और उनका एक संकल्प है कि गो माता जो आज सड़कों पर इधर उधर भटक रही है, वो कम से कम उनको एक सुविधा मिले, उनको एक पूरा सम्मान मिले। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।